गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स वी कंटिन्यू द चैप्टर 7, वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड अडेप्टेशंस। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एंड अडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट हैज प्रॉपर वेदर कंडीशंस, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इज देयर and the proper temperature also. So it's the climatic conditions are very supporting to animals, so variety of animals and plants are found in the forest. So here I am discussing about the some animals, adaptations of the some animals which found in tropical rainforest. So first of all, monkeys. A wide variety of monkeys are found in these forests. They have long prehensible tails with the help of which they grasp branches and move from one tree to another. Their hands and feet are also adapted for swift movement on the trees. So children, you already seen the monkeys. So a wide variety of monkeys are found in the tropical rainforest. They have long tail, उनकी लंबी tail होती है और उसकी help से वो branches को पकड़ के एक tree से दूसरी tree पर swing करते हैं। उनके हाथ जो हैं वो भी इस movement में के जैसे ही swift है, यानी कि इतने movable हैं कि easily एक tree की branch से को पकड़ के दूसरी tree की branch तक पहुँच जाते हैं, तो easily movement कर सकते हैं। So now you see the photo of the monkeys. Now one another animal that is bird in the tropical rainforest found, that is toucan. These are big birds with long beaks. ये एक बड़ी bird होती है, इसकी लंबी सी beak होती है, beak means चोंच. Long beaks help them to get food, it means fruits, from weak branches which may break away by their weight. तो ये अपनी लंबी beak से ट्रीज जो ब्रांचेस पे फ्रूट लगे होते हैं, ये इनका खाना है, उसको दूर से ही ले सकती हैं, इसीलिए लॉन्ग बीक होती है, इनका अडेप्टेशन है। और लॉन्ग होने की वजह से ईजिली जहाँ पे फ्रूट वीक ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, ईजिली ये दूसरी ब्रांच पे बैठ के, स्ट्रॉन्ग ब्रांच पे बैठ करके और वहाँ से तोड़ सकती है, क्योंकि इसके वेट से वो ब्रांच टूट सकती है, तो ये दूर से ही बैठ करके लॉन्ग बीक की हेल्प से फ्रूट को ले सकती है। नाउ यू कैन सी द फोटो ऑफ द टुकान। See, the beak is very strong and long. Now, rhinoceros. Rhino lives in marshy areas as mud baths are essential to keep them cool and it provides them relief from biting insect. Rhinoceros जो है वो marshy area में जहाँ पे mud है वहाँ पे रहते हैं, mud bath कर सके। mud bath इनकी body को cool रखता है और इनको रिलीफ भी मिलता है, जिससे कि छोटे छोटे इंसेक्ट इनको बाइट ना करें। नाउ यू कैन सी द फोटो ऑफ द राइनोसेरॉस। नाउ अनदर एनिमल इज लाइन टेल मकाक। द एनिमल हैज सिल्वर वाइट मेन दैट सराउंड द हेड, चीक एंड चेन एज इन लाइन। इस एनिमल में एक सिल्वर वाइट कलर की दाढ़ी टाइप की हेयर होते हैं, जो कि हेड से लेके चीक में, हेड से लेकर के चीक तक, गालों तक पूरी चेन टाइप की बनती है, जैसे कि लाइन में होता है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, बहुत अच्छा क्लाइंबर है ये, ट्रीज में इजीली क्लाइंब कर सकता है और मोस्टली टाइम इट इज़ स्पेंड ऑन द ट्री, और ये ज़्यादातर टाइम ट्री पर ही स्पेंड करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स बट ऑल्सो इन्जॉय सीड्स, यंग लीव्स, फ्लावर्स एंड बैंड्स। ये मेनली फ्रूट्स पर डिपेंड रहता है, इसका खाना जो है वो फ्रूट ही है, और यंग लीव्स यानी कि जो बिल्कुल ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं उनको खाता है, सीड्स भी खा लेता है, फ्लावर्स भी खा लेता है, ब्रांचेस जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं वो भी खा सकता है। इट ऑल्सो लव्स इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, और जो बार्क जो छाल होती है पेड़ों की, उसके नीचे जो इंसेक्ट रहते हैं उनको भी ये खाता है। तो ये मोस्टली टाइम अपना कहाँ पर बिताता है, क्योंकि फूड अवेलेबल है इसे ट्रीज के ऊपर, तो ये ट्री पर ही रहता है। ओके, और इसका जो फेस है उस पर हेयर है, जैसे लाइन के चारों हेड पर, हेड से लेके चीक तक ऐसे लाइन के ऊपर होते हैं ना बाल, वैसे इसके फेस पर भी ऐसे ही होते हैं। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ लाइन टेल्ड मकाक। सो नाउ यू कैन सी द फोटो ऑफ द लाइन टेल्ड मकाक। नाउ अनदर एनिमल इज
elephant. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is elephant. The elephant has adapted marvelously as per condition of the rainforest. Elephants keep moving their big ears to keep their body cool. आपने एलिफेंट देखा है, इट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, इसकी बहुत लंबी ट्रंक होती है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग इनके अंदर अडेप्टेशंस होते हैं. इट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, इसकी लॉन्ग ट्रंक होती है जिससे कि ये ईजली किसी भी बिग ब्रांच को या फिर लोड को और हैवी लोड को क्या कर सकती है, ब्रांचेस को तोड़ सकती है और लोड को भी ले जा सकती है. इसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्रूट्स भी ट्रंक के हेल्प से अपने माउथ में डालते हैं, तो ट्रीज से फ्रूट्स वगैरह तोड़ने में भी हेल्प करती है. ट्रंक की हेल्प से ही ये क्या करते हैं, अपने सूंड में ट्रंक में पानी भर करके अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं और ऐसे करने से क्या होता है, इनकी बॉडी कूल रहती है, तो ईजली बात कर सकते हैं ये. इनके आपने देखे हैं टू वाइट कलर के लॉन्ग टस्क होते हैं, टीथ होते हैं, है ना, ये काफ़ी प्रीशियस होते हैं इनके लिए और किसी भी हार्ड सब्सटेंस को यानी कि ट्रीज़ को, बार्क को, ब्रांचेस को ईजली टियर कर सकते हैं. इसके अलावा इनके जो ईयर हैं, दे हैव द बिग ईयर, बहुत बड़े बड़े ईयर होते हैं, इनको ईजली ये फैन की तरह चला सकते हैं, मूव करते हैं जिससे कि इनकी बॉडी कूल रहे. तो ये फीचर्स हैं इसके जो कि इनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए रेन फॉरेस्ट में. इसके अलावा जो इनका दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी स्मेल स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, एकदम से ये सुन के पता लगा लेते हैं. और जो हियरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो दूर से ही इनको सुनाई भी दे जाता है. सो दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग कैपेसिटी. सो नाउ सी इन द पिक्चर. नाउ चिल्ड्रन वी विल डू द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट 4 अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन एंड आंसर इज The four adaptations in animals of the polar region are: they have a fat deposition below the skin which retain heat in the body and keeps warm. Second, they have flat and broad paws which help them to walk on ice. Third, they have long curved and sharp claws. This provide good grip and helps them to walk on ice. Fourth, they have small ears that help them to retain as much heat as possible. Now long question number 1, what is the difference between weather and climate? And answer is, you have to make 2 columns, one for weather and second for climate. So first is in weather, it is the day to day condition of the atmosphere at a place. In climate, it is the average weather condition of a place over a long period of time. Second, in weather, it includes the short-term atmospheric condition. In climate, it includes the long-term average atmospheric condition. Third, in weather, temperature, humidity, rainfall, wind, etc. affect the weather. In climate, distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea, direction of the winds, humidity, rainfall, temperature affect the climate. Fourth, in weather, it changes frequently. In climate, it changes over a long period. Fifth, in weather, the study of weather forecasting is known as meteorology. And in climate, the study of climate is known as climatology. So children, do question short question number 4 and long question number 1 in your notebook. Thank you.